बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर भी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और जो 21 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं उनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं। लेकिन सबसे अहम सीट जो है वो दुर्ग जिले की पाटन सीट है, जहां से बीजेपी ने दुर्ग के सांसद विजय बघेल को टिकट दिया है। विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं, यानी कि पाटन सीट पर चाचा और भतीजे की लड़ाई तय है। और इसी के साथ जिन 21 सीटों पर चेहरों को मैदान में उतारा है वो सारे के सारे नए चेहरे हैं। देखिए क्या सियासी समीकरण साधने की छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कोशिश की है, ये रिपोर्ट। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जिन 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उनमें से 10 सीटें एसटी वर्ग की और 10 सीटें सामान्य वर्ग की हैं और एक सीट एससी वर्ग की है। खरसिया सीट से महेश साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को टिकट दिया गया था। सबसे दिलचस्प मुकाबला पाटन सीट से होने वाला है, जहां सीएम भूपेश बघेल के भतीजे और दुर्ग से सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने टिकट दिया है। विजय बघेल ने इस सीट से जीत का दावा भी कर दिया और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भूपेश बघेल की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। वैसे तो शुरू हो गई थी लेकिन अब वो उसको हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे, उनको चैन से सोने नहीं देंगे, चैन से खाने नहीं देंगे, चैन से पीने देंगे और चैन से भ्रष्टाचार कर भी नहीं देंगे, ये मैं दावा करता हूँ। साथ ही प्रेमनगर सीट पर नए चेहरे भूलन सिंह मरावी को टिकट दिया गया है। ये सामान्य सीट है और यहाँ से आदिवासी को मैदान में उतारा गया है। भटगांव सीट से भी नया चेहरा लक्ष्मी राजवाड़े को टिकट मिला है। प्रतापपुर सीट से भी नए चेहरे शकुंतला सिंह पोर्थे को मैदान में उतारा गया है। रामानुजगंज सीट से रामविचार नेताम को टिकट दिया गया है। रामविचार नेताम राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हम लगातार उन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। ये जो अभी रिजल्ट जो भी रहा पे कि आने वाले समय में हम उसे कैसे अच्छा कर सके, इसके लिए केंद्र नेतृत्व हर स्तर से उसका सर्वे कराए और सर्वे में जो स्थिति आए तो उसके आधार पर दिया गया। लुंड्रा सीट से बीजेपी ने नए चेहरे प्रबोध मिंज को टिकट दिया। मिंज को टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों ने खुशियां मनाई। धर्मजयगढ़ सीट से बीजेपी ने नए चेहरे हरिश्चंद्र राठिया को टिकट दिया है। कोरबा में बीजेपी ने लखनलाल देवांगन को टिकट दिया है, जो कोरबा के मेयर भी रह चुके हैं और कटघोरा से विधायक रह चुके हैं। मरवाही से बीजेपी ने नए चेहरे प्रणव कुमार मरपच्ची को मैदान में उतारा है, जो सेना से रिटायर्ड सिपाही। सरायपाली से भी बीजेपी ने नए चेहरे सरला कोसरिया को मैदान में उतारा है। खल्लारी से बीजेपी ने अलका चंद्राकर को टिकट दिया है। अभनपुर से इंद्र कुमार साहू को टिकट मिला है। राजिम से रोहित साहू को टिकट दिया गया है। सिहावा से नए चेहरे श्रवण मरकाम को टिकट मिला है। डोंडी लोहारा से नए चेहरे देव हलवा ठाकुर को टिकट दिया गया है। खैरागढ़ से नए चेहरे विक्रांत सिंह को टिकट मिला है। कुज्जी से गीता घटी साहू को टिकट मिला है। मोहला मानपुर से संजीव साहा को टिकट मिला है। कांकेर से आशाराम नेताम को टिकट दिया गया है और बस्तर से मनीराम कश्यप को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जिन नए चेहरों को मैदान में उतारा है वो सरपंच, पूर्व मेयर और संगठन के पदाधिकारी हैं, यानी राजनीति में सक्रिय हैं लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ वकील हैं, कुछ पूर्व सैनिक हैं तो कुछ इंजीनियर भी हैं।